शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता ने देश विरोधी ताकतों द्वारा किसान अंदोलन का इस्तेमाल करने लैके चिंता जाहिर की। पवन गुप्ता ने कहा कि देश विरोधी ताकतों द्वारा किसान अंदोलन इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपना अंदोलन वापस लेना चाहिए है क्योंकि उन्होंने केंद्र ने मान के कानून का सोध करने का भरोसा दिता। हालांकि उन्होंने पार्टी किसानों का समर्थन भी करती है। उसी दौरान पवन गुप्ता वालों अपनी पार्टी च नियुक्तियां भी की गई। श्री दविंदर भगरिया जी जो पार्टी के जिला लुधियाना के सीनियर उपाध्यक्ष सिगे उन्होंने सेवावां देखते हुए और जिस तनदेही उन्होंने पार्टी की सेवा की है, पार्टी ने जिस लोग सभा चोणों उन्होंने उम्मीदवार बनाया और बाद च संगठन के लिए जी निरंतर वो सेवा कर रहे हैं, सारी पार्टी ने जिला लुधियाना नाल संबंधित सारे लीडर साहबाना ने सारे ने प्रार्थना की कि इन्हों जिला प्रधान की सेवा दी जाए। तो मैं सारे जोड़े साढ़े पंजाब के कार्यकारी प्रधान इतने ने साढ़े राष्ट्रीय महामंत्री श्री कृष्ण शर्मा जी इतों ने चंद्रकांत चड्डा जी चंद्र कालड़ा जी साढ़े अधिवक्ता सेना के जिला प्रधान ढंड जी और मनी सेरा जी जोड़े यूथ के साडे पंजाब के प्रधान ने ये सारे लीडर साहबाना ने बेनती दे उत्ते उन्हां दी मंग दे उत्ते ये फैसला किया गया कि जिहड़े दविंदर भगरिया जी जो लोग सभा के उम्मीदवार भी रहे उन्होंने जिला प्रधान नियुक्त किया जाए। तो अज मैनू ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। समूह पार्टी के लीडर साहबान की मंग दे उत्ते अज असी उन्होंने जिला प्रधान नियुक्त किया। अज तो बाद दविंदर भगरिया जी जिला प्रधान शिवसेना हिंदुस्तान लुधियाना की सेवा करेंगे पद्धति तौर पर और नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और असं उम्मीद करते हैं कि जिहड़ा जिला लुधियाना है ये वार्ड वाइज मंडल वाइज शिवसेना हिंदुस्तान मजबूत संगठन बन के उभरेगा और आने वाली जिहड़ी नगर निगम दी चोणां हैगियां विधानसभा दी चोणां हैगियां लोक सभा दी चोणां हैगियां उन्हूं असीं मजबूती नाल लड़ांगे क्योंकि पंजाब दे विच पटियाले तो बाद अगर कोई संगठन का असी मजबूत हैं तो लुधियाना साडा सब तो ज़्यादा मजबूत संगठन है और इस तो भी बेहतर संगठन मजबूत होएगा। ऐसी असी उम्मीद करते हैं कि साढ़े जिहड़े नवे जिला प्रधान नियुक्त होए हैं दविंदर भगरिया जी वो इस तरह संगठन को मजबूत करेंगे। देखो जिहड़ा किसान अंदोलन से जो किसानों के मुद्दे पर सीगा शिवसेना हिंदुस्तान ने पहले दिन तो ही भाजपा के खिलाफ स्टैंड लैके असी जोरदार समर्थन किया कि किसानों के मुद्दे के उत्ते केंद्रीय मंत्रियों नूं गल करनी चाहिए सी। बिल पास करन तो पहला किसानों के संगठन नाल गलबात होनी चाहिए सी पर जिहड़ी गलबात नहीं हुई सी वह दुर्भाग्यपूर्ण सीगा। लेकिन हुण जदों केंद्रीय मंत्री गल कर रहे देश का प्रधानमंत्री गल कर रहा देश का गृहमंत्री गल कर रहा और उन्होंने सारे मुद्दों से पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने गल सुनी जा रही है उन्होंने किसानी नाल संबंधित सारे मसलों से चाहे वह एसडीएम कोर्ट का मुद्दा से उन्होंने क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़िया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उत्ते भी संशोधन करने लिए तैयार हो गए MSP की गरंटी लिखित च देने तैयार हो गए। ये सारे मुद्दे जदों किसानों के सुने जा रहे तो किसान अंदोलन की आड़ दे विच जे कहा जा रहा है कि असी तो बिल जिहड़ा है रद्द कराना है असी समझते हैं कि यह किसान अंदोलन का रवैया ठीक नहीं है अड़ियल रवैया ना सरकार का ठीक होना चाहिए तो ना ही किसानों का ठीक होना चाहिए और विशेष करके जिहड़े जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फोटो लगा के किसान अंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे उसकी असी घोर निंदा करते हैं क्योंकि इस किसान अंदोलन च हरियाणा का जाट है इस किसान अंदोलन च गाजियाबाद मुजफ्फरनगर खतौली इतने के हिंदू किसान भी नाल ने और मैंने गल कही सी कि अगर धर्म के नाते किसान अंदोलन चलाया जाएगा तो किसान अंदोलन फेल होएगा। असी इस गल की निंदा करते हैं कि फिल्मी एक्टर यूबी के पिता योगराज ने जिहड़ी गल कही कि हिंदुओं की जिहड़ी मावां भैणां सी वो टके टके बिकदियां रहीयां असी इसदे योगराज के बयान की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि इन्हें हिंदू धर्म का अपमान किया है और किसान अंदोलन के किसी भी नेता ने योगराज के इस बयान की निंदा नहीं की और इस करके ये समझते हैं कि अंदोलन जिहड़ा हुण कुराहे दे पैण जा रहा हैगा। लंदन दे विच जिस तरह महात्मा गांधी दे स्टैचू दा अपमान किया खालिस्तानियों ने उत्थे अपने झंडे लहराए महात्मा गांधी नूं जिस तरह अपमानित करने की कोशिश की इस गल का सबूत है कि हौली हौली नकारात्मक ये जिहड़े पार्लीमेंट ते हमला करन वाले हैं जिहड़े दिल्ली दंगे दे दोषी है उन्हां दी रिहाई दी मंग किसानां दे मंग पत्र च कि आ गई किसान दी मंग हो रही सी
खेती नाल संबंधित मंग हो रही सी तो उस मंग दे नाल असी खड़े सीगे। हुण इन्हां दे मंगां मन्नियां जा रही हैं। मैं किसान अंदोलन दे असली जिहड़े नेता है उन्हां नूं अपील करांगा कि विघटनकारी ताकतां दे बहकावे च ना आण। अगर सरकार लिखत च उन्हां दे संशोधन करन नूं स्वीकार करदी है तो इस अंदोलन नूं सुखावे मोड़ ते खत्म कीता जाणा चाहीदा। दूजे पासे नवनियुक्त जिला प्रधान दविंदर ने पार्टी प्रधान पवन गुप्ता ते होर सीनियर अधिकारियों का धन्यवाद किया ते भरोसा दिता कि उन्हां दीआं उम्मीदां ते खरा उतरन की कोशिश करांगे। मैं दविंदर बगरिया शिवसेना हिंदुस्तान अज नया पद पवन गुप्ता जी श्री माननीय उन्हां वल्लों दिता गया मैं उन्हां दा धन्यवाद करदा जिन्हां दे नाल कृष्ण शर्मा जी संजीव देम जी और चंद्रकांत चड्डा जी चंद्र कालरा जी नितिन गंड जी मनी शेरा जी इन्हां ने मैनू इस दे योग्य समझिया जिन्हां ने पूरी पार्टी दे विच जोर लगा के पवन गुप्ता जी जो साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हां नू मेरे बारे अप्रोच किया गया मैनू ए मान बख्शिया। मैं इस चीज़ का मान पूरी तरह बखूबी निभावांगा और रखांगा और इस दे उत्ते कम करके दिखावांगा। जय हिंदू राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट सांच टीवी। हुण समस्या भावें कोई भी होवे तां इधर उधर ना घूमो क्योंकि श्री हरि ज्योतिष केंद्र करनगे तुहाडी हर समस्या दा हल। तुसीं रोंदे होए आओगे ते हसदे होए जाओगे। जेकर तुहाडा पति प्रेमी जां बेटा किसी दे बस विच है तां घबराओ ना। प्यार विच धोखा खादे प्रेमी प्रेमिका जल्द संपर्क करन। असीं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगे। परेशानी भावें किसी भी प्रकार की होवे उसका हल जरूर हुंदा है। नतीजा तुहाडियां अक्खां दे सामने आएगा। जिवें वशीकरण लव मैरिज कोर्ट कचहरी विच जित विदेश यात्रा कर्जे तो छुटकारा कारोबार विच घाटा बीमारी विच दवा ना लगना पति पत्नी विच अनबन कीता कराया रुसे प्रेमी प्रेमिका नूं मनाउणा व्याह विच माता पिता नूं मनाउणा आदि हर समस्या दा हल पंडित विनोद शर्मा जी करनगे। एक फोन तुहाडी बदल सकदा है जिंदगी। अपने सारे कष्टां तो छुटकारा पाउण लई हुणे फोन करो 98 881 94 194।